नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग इनफर्टिलिटी को लेकर एक सीरीज कर रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी लेकर। खास करके ये बहुत ही लाइक कॉमन समस्या है सोसाइटी में, तो इसी को लेकर हम पिछले सत्र में भी, कल भी मैंने कुछ इसी को लेकर बताया था प्रकाश से, जो ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलग अलग जो प्रकार तरीके होते हैं, इसमें किस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ रत्नावली के अधिकार से एवं बहुत ही अच्छे, जो सिंपल भी है और जो आपको आसानी से मिल भी जाते हैं, ऐसे कुछ कल्प एवं इसी के साथ कुछ एक नया विचार या एक अलग से भी हमें विचार करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक कल्प बता देती हूँ जो काफी अच्छे से यूज करते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं त्रिफला। त्रिफला ये रसायन के लिए प्रसिद्ध है ही। त्रिफला तो मतलब हर मर्ज की दवा मानी जा सकती है, हर घर में त्रिफला चूर्ण होता ही है। और इसी प्रकार से त्रिफला जो कि भेषज रत्नावली के वाजीकरण अधिकार में बताई गई है, तो इसको मैं आज बताती हूँ। और ये काफी फायदेमंद भी है, खुद से भी इसका बहुत अच्छा देखा है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं आज शेयर करती हूँ एक रूप में, अनुभव के रूप में। त्रिफला दीवटी बनाने के लिए मैं शास्त्रोक्त विधि बता रही हूँ। पहले त्रिफला चूर्ण लेना है 50 ग्राम, पित्त पापड़ा चूर्ण 50 ग्राम, कटुकी चूर्ण 50 ग्राम, त्राइमान चूर्ण 50 ग्राम, शुद्ध कुपिल चूर्ण 200 ग्राम। और इस सभी इन पांचों इंग्रेडिएंट को आपको खरल में अच्छे से मिलाना है और फिर जल की भावना देना है, और फिर बस सिंपली इसकी वटी बनानी, 250 मिलीग्राम की वटी अच्छे से सुखा देते हैं तो त्रिफलादि वटी बन जाती है। हम लोग इसको सवेरे शाम एक एक वटी के रूप में इसका सेवन करवा सकते हैं। अभी ये कैसे यूज करना है, कैसे बनती है ये भी बताया। देखिए इसमें त्रिफला पित्त पापड़ा यानी पित्त का शमन करने वाली, कटु की चूर्ण है एंड त्रायमान चूर्ण है, और शुद्ध कुपिल चूर्ण ये ध्वजभंग, या जैसे मैंने बताया था कि जो डिस्फंक्शन होता है इरेक्शन डिस्फंक्शन में अलग अलग तरीके से, कभी जल्दी ये होना इरेक्शन होना, कभी देर से होना, और कभी लूज मतलब लूजनेस होती, इंद्रिय शैथिल्य एक भी एक कंडीशन बताई जिसमें इंद्रिय शिथिल हो, तो बिल्कुल मतलब स्ट्रेच नहीं हो पाता है, इरेक्शन नहीं हो पाता है समय पर, तो इसके कारण भी इनफर्टिलिटी या कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती है। तो इसीलिए इसके क्या करना होता है, जैसे मैंने कल सविस्तर से बताया था कि हमें अग्नि पर ध्यान देना है, हमें कैसे काम करना है, कैसे धातु का बल बनाना है, तो इसमें भी हम बल्य चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला में जो कुपिलु है, खास करके कुपिलु ये नाड़ी संस्थान पर काम करता है, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर कार्य करता है, और बिल्कुल जो लूजनेस या जिस प्रकार की शिथिलता यहाँ पर इंद्रियों की देखी जाती है, इस इंद्रियों की शिथिलता कम करने का काम ये त्रिफलादि वटी करती है, और इसीलिए हम इसका प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। इसे सभी केसेस में आप त्रिफलादि वटी का सुंदर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली ये जैसे अभी अग्नि के ऊपर भी काम करना होता है ना हम लोगों को, ये इंद्रियों का बल बढ़ाने के लिए भी हो, या रसायन वाजीकरण के रूप में भी अगर विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अग्नि तो बढ़ानी होती है, तो त्रिफलादि वटी जो है ये उसी प्रकार से काम करती है। इसमें सारे जो कंटेंट्स है जैसे कि कटुकी है एंड ये कुपिलु है यानी कुचला है, और त्रायमान है जो कि प्रवाह को बढ़ाते हैं, ब्लड प्यूरिफायर के रूप में काम करते हैं, और इस प्रकार से वो ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि रक्त दुष्टि के कारण या जैसे कि रक्त की अगर अशुद्धियां है इसके कारण भी कहीं ना कहीं रक्त सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है, तो जो एक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए उस समय पर वो समय हो पाती है, और इसीलिए ये जो इंद्रियों में शिथिलता हो या ध्वजभंग जैसे कंडीशंस हो इसमें ये बहुत अच्छे से इसका रोल है। तो ये इसी के साथ साथ जहां पर पित्त टाइप के लक्षण हो यानी पाक जनित, जैसे पहले की कुछ शिकायत हो, पहले की कुछ ऐसे लक्षण मिल जाते हो रुग्ण, निश्चित रूप से पित्त का शमन भी ये करेगी। अगर पेशेंट कुछ एसटीडी डिसीज के साथ हो या पोस्ट फीवर कुछ डेंगू के बाद हो, स्पर्म काउंट कम हुआ हो, की दुर्बलता है शिथिलता है, तो इस प्रकार से इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो पाक की कंडीशन है, अल्सर्स जो है, ये पित्त पापड़ा के सेवन के साथ ये भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये त्रिफलादि वटी जो है ये बहुत अच्छे से ऐसे कंडीशन में यूज कर सकते हैं। आप इसको क्या करिएगा, सिंपली जैसे हमने देखा अलग अलग टाइप के लक्षण लेकर पेशेंट आते हैं ना, तो वहां पर हमें शिलाजीत का भी काफी अच्छा रोल होता है, तो त्रिफलादि वटी और शिला
शिलाजीत वटी, दोनों को यानी टिपिकली बहुत अच्छे से दोनों का एक मिला जुला इफेक्ट होगा। जो भी ईडी के लक्षण होते हैं, जो भी इसकी समस्या से पेशेंट जूझते हैं, उनमें इसका काफी अच्छा लाभ मिलेगा। और ये दोनों आप ना जहां पर मूत्र की विकृतियों के साथ इनफर्टिलिटी या इंद्रियों की शिथिलता है, या कुछ ओल्ड एज है यानी पेशेंट और फिर भी वो चाहता है कि वो मतलब फर्टिलिटी चाहता है या पिता बनना चाहता है और बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी या शिथिलता होती है। तो ऐसे केसेस में भी आप त्रिफलादि वटी एवं शिलाजीतादि वटी दोनों को कंबाइन करके यूज करिएगा। कुछ प्रमेह के केस भी देखा जाता है कि ऐसे शिथिलता मिल जाती है, तो ऐसे में भी आप दोनों को कंबाइन करके प्रमेह जन्य इनफर्टिलिटी हो तो इसमें त्रिफला शिलाजीत दोनों का जो भी मूत्र वह स्रोतस पर भी है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी काफी सुंदर तरीके से इन दोनों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन आपको इफेक्ट मिलेगा। तो आप इसको NIDDM के केसेस में और जहां पे रिक्वायर्ड है, ऐसे आपको लगता है कि क्लेद कफज कुछ संप्राप्ति या पित्त संप्राप्ति है, तो दो आपको अच्छा कॉम्बिनेशन या अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इशू को हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, जिसमें मैंने ये बताया ना त्रिफला इसमें जो से रसायन भी काम करता है, सूजन को भी कम करेगा और कहीं ना कहीं जो अवरोध है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि त्रिफला ये सारक है, मृदु के रूप में यहाँ पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी आपको बताने वाली हूँ। एंड जैसे कि इस जो मैंने ग्रुप डाला था कि जो मेन इनफर्टिलिटी का हम सोचते हैं अलग अलग कारण बन जाते हैं, इसमें हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को नजरे से देखा ये क्या है, इसमें हमने बताया एक और अलग समस्या के साथ भी कुछ बहुत ऐसे केसेस हैं, और मैंने कुछ वैद्यों में से मेरे जो सीनियर वैद्य थे उनसे भी देखा है, और अभी भी फिलहाल एक पेशेंट से मैंने अनुभव के रूप में भी देखा कि वहां पर जो माइक्रोपेनिस की कंडीशन होती है, जैसे कि महिलाओं में देखा जाता है ना स्मॉल यूट्रस की समस्या होती है, स्मॉल यूट्रस के साथ हमने देखा किस प्रकार से हाइड्रेट के तरीके से हम इसमें शोधन तवस्ती और रसायन चिकित्सा कितना अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो पुरुषों में कंडीशन होती है उसको कहा जाता है माइक्रोपेनिस। माइक्रोपेनिस यानी कॉमन एक सिम्टम है, बहुत ही मेजर सोसाइटी में जाते हैं जैसे एक्चुअली जैसे बेबीज में अगर तो माइक्रोपेनिस किसको कहेंगे अगर ये 0.75 से कम इंच डाउन है, तो स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा हल्का स्ट्रेच करने के बाद इससे कम मिल जाता है तो उसमें पेनिस कह सकते हैं। अडल्ट में ये नॉर्मली 3.67 इंच होता है, और इससे कम अगर मिल जाए तो इसको हम लोग माइक्रोपेनिस कह सकते हैं। ये अलग अलग किसके कारण होते हैं, मैं कुछ कारणों का भी विचार बताऊंगी इसमें कि कैसे विचार करना है। एक कॉलमैक्स सिंड्रोम होता है, या कई बार इसको हाइपोगोनाडिज्म भी कहा जाता है। कभी ये हाइपोगोनाडिज्म ये कम बनता है जब हाइपोथैलेमस जो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, लाइक नर्वस सिस्टम मेरे ग्लैंड से जुड़ा है, ये अच्छे से हार्मोन को स्टिमुलेट नहीं कर पाता है। ये स्टिमुलेशन टेस्टिकल्स को जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं उसको नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर जाकर रिप्रोडक्शन फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, या जो पेनिस होता है उसके साइज में अपीयरेंस या स्मॉल हो जाता है। एंड बिल्कुल इस प्रकार से हमें कि किसी भी शरीर का हिस्सा अभी अभी छोटा होता है, तो जैसे इसको हम कुछ तरीके से मसाज करके, अगर वजन कम है तो उसने हमारे शरीर में देखते पोषण रसायन वाली गर्म करके हम उसको बढ़ा देते हैं, जिसमें भाई मेरा कुछ नहीं करना है। अलग अलग सोने को कहेंगे पेनी में ये भी प्रयोग है, इसके ट्रीटमेंट में हम फिर भी अभी विचार करना पड़ेगा। जहाँ की जैसे कम होती है हम एलमेंट में भी हम हार्मोन्स क्लोरेट इससे मिलाजी कुछ मैम रासायनिक सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैम आपकी आवाज ना सही नहीं आ रही है। अच्छा मैं आपकी आवाज दोबारा जो है एकदम इको इको साउंड हो रहा है, मतलब डबलिंग हो रही है और बहुत धीमी आ रही है आपकी आवाज। बढ़ाती हूँ। ओके ओके अभी आ रही क्या क्लियर ना आप क्या वो लाउडस्पीकर में बात कर रहे हो क्या? हाँ लाउड स्पीकर पे कर रहे, शायद इस वजह से गूंज रही है आवाज। नहीं?
नहीं आ रही मैम, क्लियर नहीं आ रही। अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल क्या रहे हो, तो नहीं अंदाजे में बोल रही हूँ कि नहीं आ रही। एक बार जस्ट हम डिस्कस कर जी सकते हैं। मैं अभी आपको लिस्ट बना देती हूँ और फिर आप आ रही है अभी आवाज मेरी क्लियर क्लियर हाँ जी मैम, आ रही है आवाज क्लियर। है ना? ओके हाँ आ एकदम रही, क्लियर आ रही है। ठीक है चलिए, कभी कभी हो जाता है। ओके चलिए, मैंने त्रिफलादि वटी करके एक कल्प पढ़ाया है, भेषज रत्नावली से वाजीकरण अधिकार से, जो ईडी को पढ़ रहे थे ना हम लोग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। आज मैंने अलग विषय को लेकर डिस्कशन स्टार्ट किया है, माइक्रो पेनिस को लेकर मैं बात कर रही थी। जैसे महिलाओं में एक कॉमन समस्या होती है यूट्रस स्मॉल हो और जिसके कारण आगे की समस्या हो जाती है, तो बिल्कुल जैसे ये महिलाओं में होता है वैसे पुरुषों में भी पेनिस की साइज कम होना कई, मतलब मैंने देखा है कई बार ये समस्या मतलब बचपन में ही हल नहीं हो जाती है, फिर आगे चल के मतलब शर्म के मारे इसको कभी डिस्कस भी नहीं कर लेते हम लोग। तो इसको मैंने सोचा कि जैसे पुरुष वंध्यत्व अलग अलग पहलू है और इसका ये भी एक पहलू है, और मैंने अलग अलग वैद्यों से इसको लेकर देखा है, मेरे सीनियर्स थे जिस प्रकार से इसको ट्रीट करते थे, तो उसमें जैसे उन्होंने कुछ मुझे नुस्खा बताया। अभी अभी भी एक केस थी फिलहाल, तो उसको भी मैंने देखा था कि अच्छे से रिजल्ट भी मिल जाता है। अब मैं वही बता रही थी कि हमारे हर अवयव को, जैसे छोटा बच्चा होता है ना मंदाकिनी, तो छोटे बच्चे को हम लोग महाराष्ट्र में प्रियंका जी को पता है, छोटे बच्चा जब एकदम छोटा होता है तो उसके हर अंग अवयव की उसकी माँ और दादी नानी बहुत अच्छे केयर करते हैं। मैंने देखा कि 1-1.5 साल तक बच्चे को टोपी पहना कर ही रख देते और बोलते कि नहीं अगर टोपी ही निकाल देंगे या फिर ऐसे ऐसे उधर बच्चा सोता है ना तो उसको बार बार सीधा करते रहते, फिर बोलते कि नहीं जो सर है वो मतलब टेढ़ा हो जाएगा, गोल नहीं होगा। और लड़की है तो खास करके केयर किया जाता है कि उसका सर गोल हो, मतलब सारे नाक नक्शों को, अगर वो मुंह में ये अंगुली डालती है लड़की या लड़का दोनों भी होते तो बोलते कि नहीं नहीं फिर ये मतलब ठीक से जो ओट होते हैं ना वो फैल जाएंगे, मतलब वो भी मतलब बोलते कि छोटा नाक है तो बोलते कि नाक को खींचो खींचो, और कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत अच्छे से कि रोज नाक को खींचने को लगवाते हैं जिसका छोटा होता है। तो ऐसे अलग अलग किस्से होते हैं, हम लोगों ने सब खुद से भी अनुभव किया है। कभी कभी बच्चों के बैठने के ढंग से भी उसका पोस्चर चेंज हो जाता है, फिर कि नहीं उसको ऐसे बैठने की आदत थी उसकी मान थोड़ी सी चिपक गई। बस उसी प्रकार से हमारे शरीर का कोई अवयव अगर ठीक से बड़ा नहीं हो पाता है तो बड़ा करने का एक तरीका अच्छा आयुर्वेद ने बताया है स्नेहन, और ये कहीं ना कहीं वात की विकृति भी हम लोग मान सकते हैं। वायु गर्भावस्था में वायु अंग का विभाजन कितने अच्छे से, वायु विभजति, और बिल्कुल कहीं ना कहीं इस प्रकार से कुपोषण मान लीजिएगा और ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है तो धातु क्षय मान वो भी कारण है, अवरोध हो धातु क्षय है, बट इसमें वात दोष का रोल है। तो हमें स्नेहन पे यहाँ पे विचार करना होगा। कल भी मैंने एक बताया था कि किस प्रकार स्नेहन करके प्रॉपर जो स्टिफनेस होती है उसको डेवलप कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से अगर प्रॉपरली माइक्रो पेनिस है यानी साइज कम है मूत्र मार्ग की तो इसको कैसे बढ़ाना है, और यही मैं समझा रही थी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें हमने देखा कि हार्मोन्स बड़ा रोल प्ले करते हैं, आजकल तो हार्मोन्स बिल्कुल आजकल नहीं बहुत सालों से टेस्टोस्टेरोन वगैरह का इंजेक्शन देना या टेस्टोस्टेरोन का स्किन जेल करके आता है जो जेल लोकली लगा सकते, और ये टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन ही है तो बिल्कुल क्यों नहीं, फिर जो यूरेथ्रा होता है वो क्यों नहीं बढ़ेगा, एंड बिल्कुल ये प्यूबर्टी से ही या अडल्टहुड के आते आते ही इसको समझना चाहिए प्रॉपरली। अभी अभी इसके ऊपर एक पिक्चर भी आई थी कि बच्चे को लेकर
से स्कूलिंग में वो इस तरीके से उलझ जाता है और फिर कैसे उस पर आरोप आते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम आज महिलाओं के मेंस्ट्रुअल रजधर्मों को लेकर गवर्नमेंट से भी अलग अलग लड़कियों को स्कूलिंग में ही शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से बच्चों को, यानी दोनों को, मेल फीमेल दोनों को, बच्चों को इसी प्रकार के सारे जो एजुकेशन है ये देना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर कभी कभी लज्जावश स्थितियां बताई नहीं जाती घर में और फिर आगे चलकर बहुत ही बड़े इश्यूज होते हैं, कई बार शादियां टूट जाती है, बहुत सारे अलग अलग मामले सामने आते हैं इसमें, फिर वहां पे दोष देने से कुछ फायदा नहीं होता है, तो प्रॉपर टाइम पर उसको पहचानना होगा। Sweet, sweet, oh the sweet, oh. प्रकार से मुझे लगता है कि इसको समय पर हमें समझना, इसीलिए मैंने ये डिस्कशन के पार्ट में आज रखा है कि क्या इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे में से ही हम अच्छे से, मतलब जो भी आपका कोई कंसल्टेंट होता है इसके साथ बात करके आप आगे एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जैसे अलग अलग एक्सरसाइज है, सर्जरीज है, बहुत सारे ऑप्शंस इसके लिए है, ऐसा नहीं है, ऑप्शंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट इन्हीं ऑप्शन के साथ साथ अभी कारणों का भी विचार करिएगा कि कुछ टिपिकली कालमन सिंड्रोम करके आता है जो हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन के डिफेक्ट के कारण होता है, बहुत सारे ऐसे कुछ अलग अलग सिंड्रोम्स बताए हैं, जैसे मैंने बताया हाइपोगोनाड्रोट्रॉपिक हाइपोगोनाडिज्म, यानी गोना यानी हार्मोन हार्मोन ठीक से नहीं बन रहे, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है टेस्टोस्टेरोन का। तो ये टेस्टोस्टेरोन को तो हम लोग आर्टिफिशियली खान पान और बाकी सभी से दे सकते, बट बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर टेस्टोस्टेरोन ठीक से बन ही नहीं पा रहा, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में ही कमी है जिसका कारण ग्रोथ हार्मोन। अभी ग्रोथ हार्मोन को आयुर्वेद में क्या कहें बताइए, सारे लोग मिलके डॉक्टर नियति जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी, डॉक्टर शुभ्रा, डॉक्टर सुनील सर बताइए कि क्या कहें। ग्रोथ हार्मोन कैन बी कोरिलेटेड एज आहार कह सकते हो इसको, रस धातु कहे क्या कहे, डेवलपमेंटल एनालिसिस भी होती है अलग अलग टाइप की, पेनिस एजिनेसिस करके वगैरह, ये डायग्नोसिस तो आपको करना है, लेबोरेटरी टेस्ट करिएगा, इसमें बताया कि आपको जो लेंथ है उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर यू मस्ट गो विद ऑल द हार्मोन स्टडी के साथ जाइएगा, टेस्टोस्टेरोन डी, बाकी टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करने वाले जो प्रिकर्सर्स होते हैं, यानी उसका जो मूल होता है, जैसे हमारे शरीर में भी आरबीसी कहाँ से बनते हैं, आरबीसी आर फॉर्म्ड बाय स्टेम सेल से बनते हैं। तो आज भी एक अभी अभी ग्रुप पर मैसेज आया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कैंसर है वगैरह, तो स्टेम सेल यहाँ पर प्रिकर्सर के रूप में काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर डी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के प्रिकर्सर्स को भी आपको काउंट डाउन करना पड़ेगा, पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज यही तो बड़ा रोल प्ले करती है ना। सो आपको देखिए, आप हम आयुर्वेद भी मानेंगे और जहाँ पे जो जरूरत है वहां इन्वेस्टिगेशंस भले वो सारे हार्मोन्स के वो भी करेंगे, इसमें इमेजिंग टेस्ट है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, कुछ जेनेटिक स्टडीज भी करनी होती है, फिर ट्रीटमेंट में पहली ट्रीटमेंट तो एलोपैथी डॉक्टर्स टेस्टोस्टेरोन की ही देते हैं, एंड्रोजन की देते हैं, एंड ये आप इन्फेंसी से अगर बच्चा बता देता है या कुछ ऐसे आपको नजर में आता है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, इसके भी कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और जहां जिस उम्र में भी इसके साथ आपको बाकी जो हार्मोन्स है ना उनको भी देना पड़ेगा, FSH है, LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो सारा भी देना पड़ेगा। मतलब ये थोड़े हद तक हमें कुछ रिजल्ट भी दे सकता है, कई बार सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी एडवाइस की जाती है, तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स तो आपको सारे ही ऑप्शन मिलेंगे, कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है केगल्स एक्सरसाइज करके, और बिल्कुल मतलब अलग अलग तरीके से हमें वहां पे ध्यान देना होगा, एंड तो बिल्कुल अगर ये मैंने अभी अभी उसकी लेंथ भी बताई थी कि किस प्रकार से लेंथ कितनी होनी चाहिए, एंड तो एवरेजली जो एक बच्चा पैदा करने के लिए उसके करेक्ट टेक्निक भी क्या है, लेंथ को भी अच्छे स्केल के जरिए हमें देखना पड़ेगा, और टिपिकली क्योंकि लेंथ के साथ साथ यहाँ पे बाकी जो भी वॉल्यूम है स्पर्म के वो नॉर्मल मेजर्स में है क्या, वो भी वहां पे सोचना पड़ेगा, इसके आधार पर ही हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसका जैसे आगे स्पर्म काउंट पर भी इसका परिणाम निश्चित
से होने वाला है। अभी आयुर्वेद में इसको लेकर ऐसे खास तो कंडीशन बताई नहीं है, वैसे स्मॉल यूट्रस को भी लेकर बताया नहीं है, बट हम जैसे इसमें लिंग विकृति कह सकते हो आप, या लाइक कंजेनेटल एनोमलीज के अंतर्गत इसको हम लोग ले सकते हैं, या योनि व्यापद के जो प्रकार बताया है इसमें वातज योनि व्यापद के रूप से आप ले सकते हो, बट यहाँ पे मेल को लेकर जो बताया जाता है इसमें भी इसी प्रकार से आप तो ये इश्यूज देख सकते हो, इश्यूज करके आप इसको देख सकते हो, या फिर ऐसे वैधि को ध्वजभंग या ऐसे नाम से भी या देखा जा सकता है, ईडी के नाम से भी देखा जा सकता है, या इनफर्टिलिटी इसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग है, इसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, अभी इसमें क्या विचार करें, इसमें मैंने जैसे बताया ना हमारे कुछ वैद्य एक सांड तेल करके यूज करते थे, सांड जिसको आप नॉर्मल भाषा में लिजर्ड कह सकते हो, कहते हैं हम लोग मराठी में छिपकली कहते हैं ना आप शायद, तो ये अलग अलग तरीके से मतलब इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, और गांव में हकीम वगैरह ना इस तेल को काफी बेचते हैं। हमारे सुश्रुत आचार्य ने भी छिपकली और हाथी और अलग अलग प्राणियों का रक्षा को उनको जलाकर तेल बनाकर उसका प्रयोग करना बताया है। तो वहां पे मुझे थोड़ा उस समय हम लोग जब यूजी में थे पढ़ते समय ऐसा लगता था कि ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, बट आप सच में बिलीव नहीं करेंगे इस सांड के तेल, आई डोंट नो मतलब ये इथिकल है अनएथिकल है, बट एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ये इसको मैं बता रही हूँ, और मैंने देखा है कुछ लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, एंड मार्केट में ये आपको अच्छे से मिल जाता है। जैसे मैंने अलग अलग तरीके बताए हैं उसमें भी ऑयलिंग यानी स्नेहन थेरेपी ये भी एक तरीका है, इसके लिए आप अलग अलग तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बला तेल से लेकर अश्वगंधा तेल हो, और जो भी आप खुद से प्रोसेस के कपी कच्चू अश्वगंधा शतावरी और जो आपको लगते हैं कि भाई ये जो है ग्रोथ के लिए अच्छे तेल माने जाते हैं, तो और इस ग्रोथ के साथ साथ मैंने अभी बताया था त्रिफलादि वटी हम लोग रक्त शुद्धि भी करा देंगे, यानी हम कहीं ना कहीं रक्त प्रवाह को भी बढ़ा देंगे, वो भी मैं बताती हूँ। तो तेल के बारे में बता रही थी आप सभी को, किसी को अनुभव है इस सांड के तेल को लेकर तो प्लीज बताइएगा, अभी इसको कैसे बनाते हैं और क्या ये सिंपली एक मतलब ये एक्चुअली थोड़ा एक क्यूरियोसिटी का विषय है, जब मैंने देखा था तब मुझे भी क्यूरियोसिटी लगा, बट हम थोड़ा सा ये नहीं किया लाइक चर्चा नहीं की कभी इसको लेकर, तो ये आपको कहीं पर भी मतलब फुटपाथ से लेकर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाएगा, और वहां पे लोग इसका दावा करते हैं कि कमजोरी एंड लाइक नाइटफॉल शीघ्र पतन ऐसे समस्या के लिए यूज किया जाता है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है विषय। ठीक है, तो ये अभी कैसे बनता है, ये मैंने जैसे बताया एक छिपकली का प्रकार है, और ये भारत के कुछ राजस्थान एंड उसके जो अलग अलग थोड़ा ड्राई एरिया यहाँ पे ये ज्यादा बेचा जाता है, यहाँ पे ज्यादा ये बनता है, और ये यही समस्या के लिए यानी वैवाहिक जीवन की समस्या के लिए ही इसको शीघ्र पतन एवं आदि के लिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि शिथिलता है और समय पर रेचन नहीं हो पाता है, शुक्र का शुक्र निकलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, धातु क्षय है या मसल्स वीक है, तो ऐसे केसेस में इसका प्रयोग करते हैं लोग। तो ये जो आंड बोल के जो है प्राणी या छिपकली जो है ये रेगिस्तान के इलाके में मिल जाती है, और ये इसी सांड के पूंछ के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है और जिसमें ये तेल पाया जाता है, और इसको अलग निकाल कर इससे तेल आगे बनाते हैं, कुछ इसमें अलग अलग अश्वगंधा या बाकी भी जो पुष्टि करने वाले द्रव्य उनका भी इसमें उपयोग किया जाता है ऐसे माना जाता है, और ये तेल ही करता है बहुत अच्छे से, ये थोड़ा उष्ण है वैसे, इसकी तासीर अगर देखेंगे तो ये गर्म है, और ये टिपिकली इस जगह पर लगाया जाता है तो रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ साथ अभी हम मैंने भी सिंपली कल भी बताया था कि यहाँ पे अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा तो जो स्ट्रेस है वो स्टिफनेस लंबे समय तक वहां पे बरकरार रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पे भी ये तेल लगाना है, तो तेल क्या करता है ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, और जैसे स्तंभन अच्छे से हो जाता है, इस ऑर्गन का स्तंभन जो होना होता है वो अच्छे से होता है, इसके लिए आप कुछ हाथ मतलब हाथ में ही बूंद लेना है और वहां पे उस जगह पर आपको मालिश करनी है, तो इस प्रकार से ये जो आजकल के स्ट्रेस के कारण
जो ईडी के केसेस है या कई बार अवयव ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ऐसे सभी में इसका उपयोग कर सकते हैं आप, दोष के लिए और अच्छा स्ट्रेचअप करने के लिए। इसी तेल में अश्वगंधा, लौंग, धतूर के जैसे भी तत्व पाए जाते हैं, और इसीलिए ये आप इसको प्रोसेस करके भी खुद बना सकते हैं, या जैसे ये मिल जाता है इसके लिए भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये एक प्रकार से मेंटली रिलीवेंट भी है, क्योंकि आप जैसे नर्व्स उत्तेजित हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शीघ्र पतन नहीं होता, यानी समय पर पतन होता है शुक्र का, और समय पर पतन शुक्र का हो जाता है तो पेशेंट मेंटली और फिजिकली भी सेटिस्फाई हो जाता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल, साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई हो गया, फिजिकली सेटिस्फेक्शन हो गया, तो इनफर्टिलिटी की समस्या हल ही हो जाती है। मैं एक और बताना चाहती हूँ, कल भी मैंने कि किसी कपल को अगर ईडी यानी शीघ्र पतन की या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, तो उसमें औषधियों के साथ साथ उसकी पत्नी का रोल बहुत ज्यादा रहता है। वो दोनों अच्छे से काउंसलिंग करके या दोनों एक दूसरे के साथ बात करके इसको ये कर सकते हैं, यानी इसका हल वही है कि दोनों अच्छे से बात करें और बस वो हो जाएगा। वहां पर मेडिसिन तो ठीक है, एक लेवल तक शुक्रक्षय अगर है करने के लिए ये हो सकते हैं। कुछ लोग अभी ये तेल मैंने जो बताया है, अभी आप ही बताइए कि इसका सच क्या है। अभी ये इतना इसका जो इफेक्ट है, मैंने खुद से उसका करवाया नहीं है, बट मेरे सीनियर वैद्यों को देखा है करते हुए, और बिल्कुल अभी इसके नुकसान या फायदे को लेकर बस हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने फायदे देखे, नुकसान नहीं देखा है, तो नुकसान हो सकता है अगर अति सर्वत्र वर्ज्य है तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बस ऊपर से लगाना है, बट अति नहीं लगाना है, तो मैं बताना चाहती थी, क्योंकि ये तेल फायदेमंद है ऐसा दावा सारे लोग करते हैं, वैद्य करते हैं या कई लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। अभी मुझे लगता है कि इसमें हम ऊपर से लगा रहे, एज ए स्नेहन के रूप में लगा रहे, तो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना। अगर फिर आपको सेफ में बाकी भी तेल है, अश्वगंधा बला और ये भी सारे तेल है, बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ये रिसर्च प्रूवन ही है। ये जो तेल यूज करते हैं, भले वो ये देसी नुस्खा के रूप में है, बट स्टिल स्टडीज है इसके ऊपर, आर्टिकल्स है पब्लिश, और मैंने देखा खुद से भी है। इस प्रकार से मुझे लगता है ये तेल वहां पे लगाने से भी काफी राहत मिल जाती है। इसके बारे में किसी का कुछ अनुभव हो तो देखा। तो मतलब जो को लेकर है वो अलग अलग तरीके से भी बढ़ सकती है, इसमें धातु बल ही बढ़ाना होता है, बट रेगुलर अभ्यंग के रूप में मसाज अगर करते हैं बला तेल से, चंदन विच बला ऑयल से, मैम, विच ऑयल योर टॉपिक दिस सांड का तेल करके, सांड सांड तेल, क्या सांड सांड, ये सांड, सांड फर्स्ट टाइम मैम ये मैम यहाँ पे मिल जाता है फुटपाथ वगैरह के वहां पर, रेफरेंस मैम किस ग्रंथ का रेफरेंस रेफरेंस नहीं मिला मुझे, ग्रंथों का रेफरेंस नहीं मिला, बट मैं इसको ढूंढती हूँ, रेफरेंस ढूंढ के बताती मिलता है मैम ये कहाँ हूँ। मिलता है, सांड के सांड ऐसे बोलते हैं ना, मतलब क्या सांड के जैसे, सांड को बड़ा बलवान माना जाता है ना, बाजीकरण इसमें होगा बाजीकरण के इफेक्ट से, तो ये मिलता तो है। इसमें और कुछ ये करना है मैम? मैम। मैंने अब भी ज्वाइन किया इसलिए मैंने पूछा कि कौन सा ऑयल चलता है सांड हाँ यस, नहीं, मतलब ये लगाने से होगा ना अभ्यंग करना हाँ होगा। लगाना है, इसको लगाना है, मैं ऊपर से लगाना, हाँ, एक और एक तेल है मुझे याद नहीं आ रहा है भैया, वो भी ऐसे लगा के बोलते ना उससे ताकत बहुत है आती वैसे तो, बहुत है मैम एक्चुअली, है। नहीं बताया है शायद नाम ये नहीं आता। अभी मैडम ने भी डाला है, ये इसी को शायद घोरपड़ी का तेल बोलते हैं ना मराठी में, हाँ घोरपड़ तेल, पर मैम घोरपड़ तेल है ना वो ऐसा जैसे मस्कुलर में जो रहता है ना यस डिस्ट्रॉफी मैम, वाला ये भी तो उसके वही है, ये भी ना स्टेमिना भी, मतलब पे, मसल पेनिस मसल
स्ट्रेंथ करता है ना, ये पेनिस के मसल्स को ही स्ट्रेंथ कर रहा है ना, तो इरेक्शन ठीक होगा, तो मेल इम्पोटेंसी के गोर लिए में तो सांड लाभदायक का है। अलग है मैम, और घोरपड़ का तेल अलग रहता है। घोरपड़ का ऐसे तेल मुझे भी नहीं, लग रहा है, सांडा का तेल अलग है और ये घोरपड़ का तेल भी अलग है, मुझे बिल्कुल, बट घोरपड़ वो भी अलग यूज कर लगता सकते हो आप ये। है। अभी सांडे के तेल में जैसे मैंने बताया ना, अश्वगंधा, शतावरी, लौंग, काले जीरे, तिल, तिल का तेल और धतूर का भी मैम, धतूर ना ये वीकनेस के लिए बहुत सुंदर काम करता है, और ये खास करके पुरुषों के लिए ही बना है, जो स्तंभन दोष के लिए ही बना है, और ये इसमें अश्वगंधा वगैरह है तो ऑक्सीडेशन भी अच्छा होता है, तो रक्तवाहिनियों का अच्छा रक्त सप्लाई बन जाता है, तो अश्वगंधा से फिर हार्मोनल लेवल पर भी काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन की समस्या भी कम हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो निश्चित रूप में पावर भी बढ़ेगा और प्रजनन क्षमता भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें शतावरी अश्वगंधा है, स्टैमिना बढ़ेगा, सो सारे जो भी मेल इनफर्टिलिटी के जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लेकर छोटे मोटे, वो इसमें कम हो जाते हैं। कभी कभी हाँ, अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, हाँ यस सर, फुटपाथ पे सांडा के नाम से बेचते, बिल्कुल करेक्ट बताया, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको हटा दे, ये कर सकते, बट मैम आई डोंट थिंक, अगर आप हल्का दो तीन बूंद तक इस्तेमाल करते हो तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब एक तो मेंटेलिटी ऐसी है ना, इस ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर पेशेंट हमारे पास नहीं आते, पेशेंट घरेलू रूप से या ऐसे फुटपाथ के डॉक्टर के पास ही ज्यादा जाते हैं, थोड़ा लज्जास्पद होता है ना पेशेंट्स के लिए ऐसे, मतलब मुझे लगता है, बट ये भी एक पॉइंट है हमारे इनफर्टिलिटी के इसमें, प्रॉपर ग्रोथ और हार्मोन्स का भी आप विचार जरूर करिएगा। बट ये अच्छा है, डॉक्टर साहब ने भी डाला है, डॉक्टर शैलेंद्र जेठनी सर ने डाला है कि फुटपाथ में ये सांडा के नाम से ही मिलता है, और ये सांड मतलब बिल्कुल वही प्राणी का नाम है जो जिस प्रकार से उसका बल अच्छा होता है ना, पौरुष क्षमता उसकी अच्छी होती है, इसीलिए इसको ये नाम दिया है। आई थिंक घोरपड़ ऑयल भी है मैम, बट इट इज डिफरेंट, वो भी इसी टाइप से यूज करते हैं। वो भी ऐसे ही टाइप के इसे इसके लिए यूज करते हैं। बट अभी क्या लीगल एक्शन कुछ हो सकता है इसमें, लाइक प्राणियों के हत्या को लेकर के है ना, बंदी होती है तो इसको वैसे तो ये नहीं करना है, अगर आपको गांव के इसमें मिल जाता है या आप इसे कर सकते तो आप ये कर सकते हो। बोलिए मैम, नमस्ते, बोलिए सभी, गरिमा जी, बाकी सारे डॉक्टर्स जो भी सत्र को देख रहे, यस डॉक्टर सुनील सर, क्यों नहीं, हम लोग बिल्कुल ये करेंगे, आपकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। बोलिए बोलिए सभी लोग, और क्या आप यूज कर सकते हो मैम, बोलिए, साइज डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, माइक्रोपेनिया के लिए, डॉक्टर गरिमा, प्रियंका कैसी है, डॉक्टर प्रियंका, संपदा जी बोलिए, मंदाकिनी जी, मैम कभी तीन पीटी ही में अच्छा रहेगा। हाँ ऐसा मरीज आया ही नहीं, कभी पीटी में किया। यस, बट मैम इसके तो मैंने खुद से देखे हैं, स्मॉल साइज वाले देखे केसेस में, समय लग जाता है थोड़ा, और बोलिए सभी लोग, माधुरी आपका कुछ अनुभव, अनुभूत है ये, मैं इसको ये नहीं करूंगी, मैं अनुभूत ही बताऊंगी, मैं इसको मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, श्री गोपाल के कल मैंने बताया था, श्री गोपाल के करेक्ट हाँ या मैम, ये श्री गोपाल और बराबर। मिलता तो ये तो मिल जाता है,
हाँ वो महंगा रहता है मैम, मैंने सुना महंगा है। तो है ना, महंगा तो है तेल एक्चुअली ना, थोड़े ज्यादा ही महंगे है सारे तेल ही। वैसे बालों का तेल भी देखिए ना, कोई भी 200 के नीचे तो नहीं है, 250 300 तक है बालों के तेल भी। बराबर है। हाँ यस मैम, ये श्री गोपाल ऑयल वो है महंगा, मैंने भी सुना है मंडल जा। और कुछ बोलिए जी मैम, बोलिए। आपके पास आते हैं ना काफी ऐसे केसेस, इनफर्टिलिटी के, मेल इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं मैम सब पता जी, बोलिए। और मैडम लिंग वर्धक तेल एक एवीपी का आता हाँ है। लिंगवर्धक तेल एक असतो, बरोबर है। ते वापरता तुम्ही? हो यूज करते बर आहे तुम्ही, सांगितलं कशासाठी वापरता, कसं वापरता, म्हणजे हे कोण आता तुम्ही मेलमध्ये? सांगितलं त्याच्यासाठी स्मॉल अच्छा साइज साइज। साठी, स्मॉल साइज साठी ना, बरोबर। मॅम यस अच्छा याद दिलाय। रिझल्ट, मॅम रिझल्ट मिळतात का? काय रिझल्ट मिळतात का त्या तेलाने? फॉलोअप जास्त नाही झाला, पण एक दोन पेशंटनी तरी सांगितलं आहेत चांगले रिझल्ट्स। हाँ अच्छा, तेच म्हटलं रिझल्ट कोणी कोणी देत नाही फॉलोअप, हेच प्रॉब्लेम होता। पेशंट हाँ फॉलोअप देत नाही, ते पण आहे। हे तर ऑनलाइन मिळून जातं तुम्हाला, लिंक वगैरे तेल तर आहे, आरामात मिळतं। सगळीकडेच वापरतात मॅडम, आलमंड आणि हे पण वापरू शकता तुम्ही, रेग्युलर जो है आलमंड ऑइल वगैरह भी यूज करते हैं, बट ये थोड़ा सा आई थिंक ना, मतलब कुछ अनइथिकल प्रैक्टिसेस भी इसके साथ होती है। और मैग्नीज और कॉपर और जिंक, ये तीन मेटल्स इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आप आहार विहार में भी ये कंटेंट्स जरूर। कौन सी कंपनी का है डॉक्टर संपदा लिंगवर्धक? एवीपी, एवीपी अच्छा ओके, बोलिए डॉक्टर प्रीति। डॉक्टर गरिमा मैम बोलिए, आपकी केसेस मैम, वो पेशेंट आई नहीं क्या डॉक्टर नेहा, जो ये नेहा जी करके थी? जी। नमस्ते मैम। नमस्ते बोलिए। मैम आ तो गई है, शायद बिजी है कि स्कूल खुल गया है ना, हाँ हाँ तो अच्छा अभी कुछ कांटेक्ट नहीं करा मुझे, शायद अभी कॉल करवाऊंगी मैम, क्लिनिक से कॉल करा दूंगी तो पूछती हूँ हाँ, मैम। हाँ नहीं जस्ट फॉलोअप के लिए, क्योंकि क्या हुआ जी आगे हाँ जी करके, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं मैम, पूछा तो था उन्होंने ना मेरे से कि वो इसका क्या है पीटीआई ना, जैसे अभी बड़ा हुआ है, उसके बाद मैम बात ही नहीं हुआ था, तो मैं कल कॉल करवाती हूँ मैम एक बार फॉलोअप में। जी ओके ठीक मैम है। और इसमें कौन से ऑयल्स यूज करते हैं मैम? बाकी तो हम, मुझे लगता है कि हम वर्धन की या रसायन की जो भी सारी चिकित्सा है ना वो सारी करेंगे। मैडम बस्तान तेलाचा उपयोग होऊ शकतो। ठीक बस्तान तेलाचा करू शकतो मॅडम, बस्ती बस्तान तेलाचा तर स्पर्म साठी जास्त हे होईल मॅम, स्पर्म काउंट साठी जास्त उपयोग होईल त्याचा। करू शकतो। बिल्कुल। मला वाटते लिंगवर्धक तेलाचा ह्याच्यामध्ये पण रेफरन्स आहे, भेषज रत्नावली में भी रेफरन्स आहे इसका। मैं कल ना, एक दूसरा भी मेरे दिमाग में है बहुत अच्छे भी, इसके भी कल्प है, वीर्य स्तंभन को लेकर कल बात करते हैं, मतलब ये वीर्य पतन करके जो होता है ना। नहीं बस्तांड तेल स्वप्न कंजम्पशन नहीं मैम, कंजम्पशन स्वप्न नहीं करना है। दोष, हाँ हाँ स्वप्न दोष। स्वप्न दोषांसाठी उद्या आपण घेऊया, त्याच्यासाठी पण भरपूर छान कॉम्बिनेशन आहेत। बस्तांड तेल का बस्ती देते मैम, पीने के लिए नहीं यूज करते हैं। यस हाँ कर सकते हो, एंड बस्तांड का बस्ती ही ज्यादा चलता है, पीने को नहीं देना है, पीने को बिल्कुल भी नहीं। यस मात्रा बस्ती या अनुवासन बस्ती, निरुह अनुवासन ऐसे करके भी दे सकते हो। मैंने कई बार किया था ग्रुप में बस्तांड बस्ती को लेकर, कैसे बनवाते हैं इसको ना, बस्ती लेकर उसको उबाल कर फिर इसको बनाते हैं बस्तांड बतरी को। अपना अपना ही मार्केट में भी है, मैंने शेयर किया था आई थिंक, ये भी काफी अच्छा रहेगा। हम लोग शिखर पतन को कल के इसमें ये कर लेते हैं, स्वप्न दोष को, नाइट फॉल को, कल के इसमें अलग अलग जो ग्रंथोक्त कॉम्बिनेशन है
और ये जो आज मैंने बताया ना सांड का तेल, तो इसका रेफरेंस मुझे लगता है कि अलग नाम से है, छिपकली का तेल या छिपकली का प्रयोग करना ऐसे नाम से है, डायरेक्ट इसका नहीं होगा बट प्राणियों का उपयोग तो किया। चटकांड वगैरह की तेल का है ना मैम, चटक प्राणी का भी उल्लेख है ना ग्रंथों में, वाजीकरण के इसमें तीन चार प्राणी बताए, उसमें चटक प्राणी भी बताया। चटक म्हणजे काय? अच्छा चटक म्हणजे काय, त्याला मराठी मध्ये काय म्हणतात, गोरैया म्हणतात पहा, गोरैया का क्या बोलेंगे, मंदाकिनी, गरिमा, माधुरी, गोरैया म्हणतात, गोरैया गौरैया तो गौरैया ही बोलते, गौरैया किसको बोलते। ही बोलते हैं गौरैया को। हाँ अच्छा मराठी में क्या कहेंगे बताइए जरा मराठी। मराठी में क्या कहते हैं आपको, मैम माहित नहीं है मराठी मलाई नहीं लक्षा देते। और बताइए किसी को कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो, त्रिफल आदि बटी किसी ने यूज की है क्या मैम, ईडी में की है क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, प्रीति जी। डॉक्टर प्रियंका नेर, बोलिए मैम और किसी का कुछ प्रश्न हो तो मैम। बोलिए। मुझे पूछना है, मेरी जो स्पैज़मोडिक डिस्मेनोरिया वाली पेशेंट है उसका बस्ती चालू किया है मैंने। उसको मैम अच्छा मैं देखती हूँ ना, जब भी मैं बस्ती लेने जाती हूँ ना तो उसके एनस पे ना ऐसे पॉटी लगी रहती है। मैं पूछती हूँ पेट साफ नहीं होता है, तो बोलती है कि नहीं गैस बनती है। तो जीरकार्दियोरिस्ट मैंने ऐड किया हुआ है, फिर मैंने बोला कि है, रात में गुद पे क्या है, गुद पे। उसके गुद पे मल लगा रहता है, मल मल, मुझे लगता है उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस ज्यादा बन रही है। तो वो फिकल मैटर होगा वहां पे। तो मैम क्या करना अभी, और भी कुछ मतलब थोड़ा सा मैंने बोला अभी कि पाचन करिए मैं, बिल्व बिल्व का उपयोग करिए, बिल्व कुटकी का हाँ प्रयोग करिए, बिल्वा और कुटकी चूर्ण ना, हाँ बिल्वा बिल्वा वलेह दीजिएगा, वो अच्छे से ना आपने मल जो मल पाचन करेगा। पाचन वाले इंग्रेडिएंट्स बताए थे ना वो चालू करती हूँ ना, आपने यस मुझे करिए बताया मैम, था। करिए यस यस करिए हाँ करिए मैम, बिल्कुल। और आज मैम आज उनका वो किया था मैंने कुछ से वो अच्छा हाँ किया था हाँ फिर वो क्या चार हुआ, तो ज्यादा ही मुंह पड़ गए, वो तो चिल्लाने लग गई, बहुत क्यों। पेन लगता है मैम वो, जैसे ना ऐसा हाँ बता रही थी कि ऐसा लगता है कि जैसे नाक में किसी ने अदरक का रस डाल दिया हो, वो बहुत तीक्ष्ण होता है, हम लोग डाल रहे थे और फिर एक बूंद हाँ डाला तो बहुत तेज लगा, फिर बाद में दो तीन बूंद डाली तो वो चिल्ला गई, फिर मैंने डाला तो वो चार पांच मुझे लगता है 5-6 बूंद चली गई, 6-7 बूंद से ज्यादा चली गई वो, ऐसी नहीं, वो क्या जब डाला था आपने, बस वटांकुर का किया। हाँ वटांकुर, नहीं इसे मैम वटांकुर वटांकुर, अच्छा फिर गाय का ना पहले ना थोड़ा घी लगाकर करिए। एकदम मैम हमें ऐसा लग रहा जैसे कितना मतलब बिलबिला गई है, एकदम बोलते हैं ना हमारी लोकल लैंग्वेज में बिलबिलाना एकदम वो अच्छा शायद चिल्ला मैम रहे वो थे। वट, 1 मिनट मैम, वटांकुर का मतलब कैसे दिया आपने, ना सिर्फ पानी में के भिगो के, जो दूध में भिगो हाँ के देते हैं, पानी दूध में देते हैं अच्छा मैम, पानी दूध में भिगाने का बहुत, दिया पहले नहीं पानी में तो नहीं। अच्छा मैं उसको पूछती रही तो निकला ही नहीं उसमें से, फिर मैंने उसको पानी से धो करके अच्छे से हल्का सा पानी डाल के पूछ करके कपड़े से छान के उसका रस निकाल के दिया भाई। उसके बाद अब वो मैम ये तो जो भी था ठीक है, वो भी उसके बाद वो खीर खाने में उनको उर्जी आने लगी, उसमें इतनी भाई दवाइयां मिली थी, तो वो बोल रही थी कि ये ऐसे मैम अब तो नहीं करना ना, अब तो बस एक ही दिन हो गया, आज ही काफी है ना, अब तो खीर खानी है रोज 7 डेज तक। नहीं 7 डेज करना है मैम नस्य, तो अरे मैम वो तो मर जाएगी वो, अरे और मैम उनको बच्चा राम चाहिए ना तो सहन करना पड़ेगा सब कुछ। रे चार चार हालत ही बूंद का खराब हो करिए, गई। चार चार बूंद का करिए अगर इतना तकलीफ हो रही है तो। हाँ मतलब और फिर इसके आज क्या हुआ, वो नहा धो के आई थी, एकदम सिर पर धो के आई थी, इतनी ठंडी लगी उनको, बेचारी दिन भर वो बिस्तरे में लेटी रह गई, खाना भी नहीं खा पाई कुछ भी।
और मैम मैंने कभी सुना नहीं है उससे ऐसा होता है, मतलब मैंने तो देखा भी था पर किसी को ऐसा ये नहीं करते हुए। हो इतना मैंने भी सकता है किसी से उसकी, नहीं सुना, हाँ ये मतलब भी मेरे ऐसा अंदर मैंने, इतना वो मुझे इरिटेशन सुना पता था मैंने किसी से। उसके बाद क्या वो बता रही थी कि तो उनका ना जो माया बाई नाक थी वो तो खुल गई और दाई नाक बंद हो गई, बहुत सारा काम चलाया शोधन हो गया एक तरह से शायद उनका। मैंने भी कभी किसी से सुना नहीं कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, तकलीफ यानी इतना जलन होता है। तो मैम उसके उसको ना दूसरे किसी से भी जलन हो रही है क्या, वो भी देखिए जरा, क्या आहार विहार या कुछ टैबलेट का कुछ उसको ये है क्या, अच्छा ठीक वो भी है, अभी देखिए। 7 दिन तक देना है उनको, है 6-6 बूंद, यस और एक खीर भी खानी पड़ेगी उनको, कह रही थी खीर भी रोज ही वो खानी है। तो कह अच्छा है रही थी कि, वो कह रही थी कि 1 चम्मच खीर में थोड़ा सा दवाई डाल करके खा लेती हूँ, उसके बाद पूरी खीर खा लूंगी तो ज्यादा सही रहेगा, ये तो खा ही नहीं जा रही है। अलग अलग थोड़ा उसमें वैरायटी लाए, खीर बनाने के तरीके में वैरायटी लाए, कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दे वो ऐसे, मैम एक्चुअली मतलब ना सर्विस उसको जॉब जैसे वाली है तो सुबह पसंद उसको आए वो टाइम ही नहीं टाइप के। मिलता है, सुबह टाइम नहीं मिलता है, बस जल्दी 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 कैसे भी करके बना करके ले आती है। अच्छा हाँ मैम फिर ना दूध का शिरपा भी चलेगा, अगर वो इसको इतनी मतलब प्रॉब्लम है तो दूध का शिरपा भी पी सकती है, इससे भी तो ठीक खीर रहेगा बनाने में टाइम भी लगता है ना मैम उनका, वो थोड़ा खीर पे सा। ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ दूध पाक तो फिर ठीक रहता है, चलाते रहो बीच बीच में। नहीं लेकिन अब वो चावल, अभी चावल तो पकाकर जैसे भून कर उसको दूध में थोड़ा पकाकर खा भी चलेगा, चावल की खीर भी अच्छा चलती है। अच्छा वो तो प्रॉपर बना के लाई थी उसमें पूरा काजू बादाम इसमें सब डाल हाँ करके। नहीं चावल की खीर में भी अगर सारे मतलब मेवे डाल देना तो वो भी अच्छी बनती है और सिंपल भी है, चावल की खीर में तो टाइम भी नहीं लगता ज्यादा। तो मैम ये कच्चे दूध के साथ में करना है, आप कच्चे दूध के हाँ साथ में क्या करूँ करते, थोड़े से चावल ले लिए आपने सब जो एक कटोरी, और उसको आप भूनिएगा घी के साथ, फिर मिक्सर से बारीक कर दीजिएगा, दूध रखिएगा इसमें उबालने के लिए, और उसमें थोड़ी गुड़ जो भी डालना है और खोबरा नारियल या मेवे थोड़ा सा, और फिर ऊपर से ये जो पाउडर की है चावल की वो उसको डालकर पकाए, चावल तो कितने जल्दी पक जाते हैं दूध में वो वो, और टेस्ट भी अच्छी आती है, ये तो मतलब चलता है इधर महाराष्ट्र में तो त्योहार बता पर। रही थी कि इस टाइम उनको ना मीठा खाने का तो एकदम मन नहीं करा, सब ऐसे ना उससे घृणा सी हो गई है मीठे से। मैम हाँ नहीं ठीक है, शुगर कम डाले तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो दूध का और वो बाकी नस्य जो करना है, बट का जो नस्य करना है तो वो उसको दूध में अब मिक्स करना है। माधुरी जी बताइए आपने क्या बोला, क्या मैम? दूध नहीं के मैंने बोला वटापुर को मैंने ना उधर देखा था धुले में मैम, उधर सानी गुरु जी में है ना मैम, उधर बिना हाँ दूध में वो ना वटांगुर भिगो के रखते थे और फिर हाँ उसका वो अच्छा नस्या देते थे, ऐसे देखा था मैं दूध में ही पर। हमारे यहाँ दूध अब में दूध पीने को देते हैं और ऐसे डायरेक्ट वटामपुर का ही रस डालते हुए हम लोग तो करते हैं इसमें। अब ये भी करके देखिए मंदाकिनी जी, उनको तो वो कम हो जाए तो हो ठीक ही सकता है रहेगा। ना पहला दिन हो ना, पहला दिन है और झटके से एक पहले तो एक दो ड्रॉप डाली तो वो थोड़ा सा चढ़ता तो होगा, डेफिनेटली चढ़ता होगा क्योंकि अदरक का चढ़ता है तो बट्टा अंगूर का तो चढ़ता ही होगा, ये भी तो ज्यादा तेज होगा। फिर बाद में वो 3-4 मेरे से मेरे हाथ से हिल करके बहुत सारा पड़ गया जब मैं मुंह हिलाने लगी, तो देखती ऐसा लगता है हूँ मैम आपको कल दूध खुद वाला करती हूँ। पे पहले एक बार ट्राई करना चाहिए एक डाल के कि क्या सचमुच जलता है क्या नहीं। हाँ हाँ नहीं मैम कभी कभी डालती मैं हूँ, तो फिर मंदाकिनी जी कुछ गुड न्यूज़ ना दे दे। ऐसे नहीं मम्मी मैं नहीं मैडम, मैं ना वो क्या करती हूँ बच्चों का सिरप मैं पी के देखती हूँ खुद क्या टेस्ट है अच्छा है कि नहीं, नहीं तो फिर बच्चा लेता ही नहीं ना। तो माँ मतलब बच्चे छोटे होते तो माँ को आदत होती है कि कुछ भी थोड़ा हाँ टेस्ट करके देखे मैं तो होते हैं। अभी भी मेरी बेटी 6 साल की तो हर सिरप टेस्ट भी उसको देती हूँ, पापा ये ले है बस क्या, मैं सब टेस्ट करके ही करती हूँ एकदम खुद पे पहले और फिर उसको ऐसे। यस बिल्कुल, चलिए फिर कल मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग, अच्छा रहेगा थोड़ा मतलब एनहांसमेंट होगा हमारे नॉलेज का भी और अलग अलग विषयों पर चर्चा भी होगी। मैम वो धुले के जो है ना बरंट सर मिस्टर एंड डॉक्टर है ना हाँ वांगी हाँ बरंट, यस उनको तब मैं गई थी ना आई थिंक 2011 में गई होगी, तो अच्छा उसको मैंने उधर उनका देखा था ना, उन्होंने सिखाया था, अभी बहुत मतलब वो याद जितना आ रहा है इतना याद अभी भूल जाते हैं ना इतना उस वक्त क्या, तो उन्होंने वो लोग करते थे मैम उनसे। अच्छा हाँ मैं ठीक है उन मैम,
उनसे अगर पूछे तो पता नहीं, वो बता सकते हैं, वो लोग करते थे मैम पेशेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। मैडम शुभांगी मैडम को वो मालूम है, वो दूध अच्छा में करके, और फिर मुझे लगता है वो दूध रहेगा देखिए, वो अलग पूरे, अलग आई थिंक वो दूध अच्छा रहेगा, और पुसवन में दूध का जैसे गाय का महत्व है ना, इसी प्रकार से उन्होंने ये किया होगा आई थिंक। हाँ वैसे, हाँ ठीक है ठीक है मैम, ओके करते okay. हैं फिर, चलिए कल फिर दोबारा करेंगे, करते कब हैं जी। कब देनी है देनी फिर गुड न्यूज़, कब देनी है मंदाकिनी जी? मैं कहाँ से दूंगी मैम, जिसको अभी बेचारा जो बेचारी दे रही है वो तो बहुत चाहिए। मैम उसको देख करके ना मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा क्या कर दिया मैंने इसको। ओके अच्छा 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 ठीक है ठीक है, नमस्ते। चलिए फिर, ओके नमस्ते।